आप सभी स्नेही सुजनों को सादर नमस्कार। मैं चार लंकेश आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं के न्यूज के अधिकांश पेज का, जिसका नाम है उपाय कल के में। ज्योतिष शास्त्र की एक बहुत ही अनूठी विधा है मूलांग। मूलांग के माध्यम से हम उन उपायों का सृजन करते हैं जिन उपायों को करने से आप अपने आने वाले कल को बहुत ही उत्तम बना पाते हैं। इन उपायों में हम आपको प्रातःकाल का उपाय, संध्या काल का उपाय और अंत में राहु काल के उपायों के बारे में बताते हैं। जानते हैं कल का राहु काल। कल का राहु काल है प्रातःकाल 1:30 बजे से लेकर के और 3 बजे तक। तो आइए आरंभ करेंगे अंकों के इस अद्भुत खेल को मूलांक एक के जातकों के साथ। मूलांक एक के जातकों, प्रातःकाल आपको श्री हनुमान जी को बेसन के लड्डू का भोग लगाना है। संध्या काल के समय आपको दक्षिण दिशा में घी का दीपक जलाना है और राहु काल के दौरान आपको अपने पास में कोई लोहे की वस्तु अवश्य रखनी है। इन उपायों को करने से मूलांक एक के जातक अपने आने वाले कल को बहुत ही उत्तम बना पाएंगे। श्रृंखला को बढ़ाएंगे आगे और चर्चा करेंगे मूलांक दो के जातकों के उपायों के बारे में। मूलांक दो के जातकों, प्रातःकाल आपको दही का टीका लगा करके घर से निकलना है। संध्या काल के समय जब आप घर आए तो अपने साथ में आपको कोई लाल फल लेकर के अवश्य आना है और राहु काल के दौरान आपको किसी काले वस्त्र का कोई एक छोटा सा टुकड़ा जला देना है। इन उपायों को करने से मूलांक दो के जातक अपने आने वाले कल को बहुत ही उत्तम बना पाएंगे। श्रृंखला को बढ़ाएंगे आगे और चर्चा करेंगे मूलांकों के उपायों के बारे में। मूलांक तीन के जातकों, प्रातःकाल आपको किसी देवी मंदिर में नारियल चढ़ाना है। संध्या काल के समय जब आप घर आए तो अपने साथ में आपको मेहंदी अवश्य लेकर के आनी है और राहु काल के दौरान आपको कोई पुराना सिक्का लेकर के बहते हुए जल में डाल देना है। इन उपायों को करने से मूलांक तीन के जातक अपने आने वाले कल को बहुत ही उत्तम बना पाएंगे। श्रृंखला में बढ़ेंगे आगे और चर्चा करेंगे मूलांक चार के जातकों के उपायों के बारे में। मूलांक चार के जातकों, प्रातःकाल आपको श्री गणेश जी को जनेऊ चढ़ाना है। संध्या काल के समय आपको आकाश में श्री सप्त ऋषि तारा मंडल को देख करके उन्हें प्रणाम करना है और राहु काल के दौरान आपको ओम वीराय नमः का जाप करना है। मंत्र पुनः सुन लीजिए, ओम वीराय नमः। इन उपायों को करने से मूलांक चार के जातक अपने आने वाले कल को बहुत ही उत्तम बना पाएंगे। श्रृंखला को बढ़ाएंगे आगे और चर्चा करेंगे मूलांक पांच के जातकों के उपायों के बारे में। मूलांक पांच की जात को, प्रातःकाल आपको जल में हल्दी डालकर भगवान सूर्य देव को अर्घ्य देना है। संध्या काल के समय जब आप घर आए तो अपने साथ में आपको कुछ अनाज लेकर के अवश्य आना है और राहु काल के दौरान आपको थोड़ा सा इत्र लगा लेना है। इन उपायों को करने से मूलांक पांच की जात तक अपने आने वाले कल को बहुत ही उत्तम बना पाएंगे। श्रृंखला को बढ़ाएंगे आगे और चर्चा करेंगे मूलांक छह के जातकों के उपायों के बारे में। मूलांक छह के जात को, प्रातःकाल आपको घर के पूजा स्थल पर 3 दीपक अवश्य जलाने हैं। संध्या काल के समय आपको अपने गुरु जी से भेंट अवश्य करनी है। यदि भेंट संभव नहीं हो पा रही है तो आप उनसे फोन पर भी चर्चा कर सकते हैं और राहु काल के दौरान आपको स्वयं अदरक का सेवन करना है। इन उपायों को करने से मूलांक छह के जातक अपने आने वाले कल को बहुत ही उत्तम बना पाएंगे। श्रृंखला को बढ़ाएंगे आगे और चर्चा करेंगे मूलांक सात के जातकों के उपायों के बारे में। मूलांक सात के जातकों, प्रातःकाल आपको किसी कन्या को शिक्षा सामग्री दान करनी है। संध्या काल के समय किसी गाय को आपको गुड़ खिलाना है और राहु काल के दौरान आपको अपने पास कोई चांदी की वस्तु अवश्य रखनी है। इन उपायों को करने से मूलांक सात के जातक अपने आने वाले कल को बहुत ही उत्तम बना पाएंगे। श्रृंखला को बढ़ाएंगे आगे और चर्चा करेंगे मूलांक आठ के जातकों के उपायों के बारे में। मूलांक आठ के जातकों, प्रातःकाल आपको रोली से तिलक करके घर से निकलना है। संध्या काल के समय घर की उत्तर दिशा में आपको थोड़ी सी हल्दी रख देनी है और राहु काल के दौरान आपको इलायची का सेवन करना है। इन उपायों को करने से मूलांक आठ के जातक अपने आने वाले कल को बहुत ही उत्तम बना पाएंगे। तो अब अंत में इंतजार खत्म होता है मूलांक नौ के जातकों। मूलांक नौ के जातकों, आपको घर के मुख्य द्वार पर प्रातःकाल घी से स्वास्तिक बनाना है। संध्या काल के समय आपको अपनी माता जी को खीर अवश्य खिलानी है और राहु काल के दौरान आपको घर की पश्चिम दिशा में कुछ बर्फ के टुकड़े रख देने हैं। इन उपायों को करने से मूलांक नौ के जातक अपने आने वाले कल को बहुत ही उत्तम बना पाएंगे और साथ ही साथ राहु काल में होने वाली अशुभता को कम कर पाएंगे। तो अब चर्चा होगी उनकी जिनके लिए है कल का दिन विशेष, अर्थात जिनका कल है जन्मदिन। आपको जन्मदिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जन्मदिवस आपके लिए विशेष हो। आपके विशेष जन्मदिवस पर आपके लिए एक आशीर्वाद, जीवेत वर्षतम शतम कर्मण्ये निर्विघ्नः। किन उपायों को करने से आप वर्ष भर प्रसन्न रह पाएंगे, सफलता के द्वार आपके लिए खुलते चले जाएंगे। आइए जानते हैं प्रातःकाल का उपाय। प्रातःकाल सर्वप्रथम आप अपने माता पिता गुरु एवं प्रभु को प्रणाम करने के पश्चात आपको एक केले का पेड़ अवश्य लगाना है और संध्या काल के समय आपको अपने पिताजी के साथ किसी वृद्धाश्रम में जानी है, वहां पर भेंट करनी है और वहां पर
वस्त्र और भोजन का दान करना है। इन उपायों को करने से आप वर्ष भर प्रसन्न रह पाएंगे और विशेष प्रकार की ऊर्जा का संचरण आपके जीवन में होगा। आपको एक बार पुनः जन्म दिवस की बहुत 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 शुभकामनाएं। आप सभी पर माता सरस्वती, माता लक्ष्मी और माता अन्नपूर्णा की कृपा सदैव बनी रहे। ये तो थे उपाय कल के। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज। मैं आचार्य लंकेश आप सभी से विदा लेता हूं। तब तक के लिए आप सभी स्नेही स्वजनों को सादर नमस्कार।